हेलो दोस्तों, गेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSMA, दैट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो मैक लेयर में हमारे पास एलोहा के बाद नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है, दैट इज CSMA। और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो CSMA जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस मींस सेम हम बात करें यहां पे शेयर्ड मोड की। शेयर्ड मतलब जो हमारा मीडियम है, जो हमारा चैनल है वो है शेयर्ड, मतलब मल्टीपल नोड्स जो है वो उस चैनल को क्या कर रही है, शेयर कर रही है। अब जैसे ही मेरे पास कोई डेटा को ट्रांसमिट करना है, कोई भी नोड है, लेट्स से नोड ए है, नोड ए को डेटा ट्रांसमिशन करनी है, तो हम जनरली बात करते हैं कि डायरेक्ट डेटा जो है आप ट्रांसमिट कर सकते हो, जो हमने जैसे अलोहा में, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा में देखा। लेकिन यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है करियर सेंस, मतलब डेटा ट्रांसमिशन करने से पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, वो है करियर को सेंस करना है। मतलब जिस डेटा को आपको सेंड करना है उसको एक बार आप होल्ड पे रखो, पहले आपका जो ट्रांसमीटर है, जिस नोड से आप कनेक्टेड है, जिस ट्रांसमीटर से आप कनेक्टेड है, आपका ट्रांसमीटर जो है वो मीडियम, जो हमारा कॉमन मीडियम है, उसको क्या करेगा, उसको चेक करेगा, उसको सेंस करेगा क्या ऑलरेडी कोई डेटा मूव कर रहा है या नहीं। मतलब क्या ऑलरेडी कोई फ्रीक्वेंसी, कोई सिग्नल ऑलरेडी जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ऑलरेडी कोई सिग्नल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मीडियम बिजी है। तो अगर आपका मीडियम या चैनल बिजी है तो आप अपना एक बार डेटा को होल्ड करके रखो। अगर आप भी ट्रांसमिशन कर दोगे तो ऑब्वियसली क्या अक्कर होगा, कोलिजन अक्कर होगा। और अगर कोलिजन अक्कर होगी तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट होगी, मतलब थ्रूपुट जो है आपकी डाउन हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है यहां पे कि जैसे ही किसी सिस्टम ने, कोई भी नोड जब भी ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगी, ट्रांसमिशन स्टार्ट करने से पहले वो करियर को सेंस करेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि करियर सेंस करने का मतलब ये नहीं है कि एंटायर चैनल जो है, एंटायर जो आपका पूरा का पूरा मीडियम है उसको सेंस करेंगे। नहीं, अगर हमारा लेट से मीडियम है 500 मीटर, मतलब जो हमारी वायर है वो 500 मीटर की है, आधा किलोमीटर की, और उसमें मल्टीपल नोड्स, लेट्स से 5 नोड्स जो है वो कनेक्टेड है, तो अगर ए ने डेटा सेंड करना है तो ए जब सेंस करेगा तो वो सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है वो सेंस करेगा, मतलब सिर्फ इस पॉइंट पे वो चेक करेगा क्या ऑलरेडी कोई डेटा मूव कर रहा है, क्या ऑलरेडी कोई सिग्नल है। अगर ऑलरेडी कोई सिग्नल है तो ए डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। लेकिन स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पूरा का पूरा चैनल जो है वो सेंस करेगा। नहीं, अगर कोई ऑलरेडी डेटा यहां पे चल रहा है, आपके पास अभी नहीं आएगा क्योंकि प्रोपेगेशन डिले है, ऑलरेडी जो है वो किसी नोड ने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया है, लेकिन आपके पास अभी वो सिग्नल नहीं पहुंचा, तो उस केस में आपको नहीं पता लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करियर सेंस करने का मतलब आप पूरे एंटायर पाथ को सेंस नहीं करोगे, आप सिर्फ अपना जो है, मतलब आप अपने घर में खड़े हो, जैसे ही आपके घर के सामने क्या कोई ऑलरेडी व्हीकल मूव कर रहा है या नहीं, सिर्फ आपको वो चेक करना है। आपको पूरी गली में, पूरी गली के अंदर कौन सा व्हीकल है वो नहीं आप चेक कर सकते। जैसे ही आपके घर के सामने वो व्हीकल आएगा तब आपको पता लग जाएगा कि यहां पे ऑलरेडी देयर इज अ व्हीकल, तो आप अपनी गाड़ी, अपनी कार बाहर मत निकालो। ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में करियर सेंस का। तो अगर हम बात करें इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जैसे 1 persistent है, 0 persistent है, p persistent है। 1 persistent का मतलब क्या है कि जो भी चैनल, जो भी नोड, लेट्स से अगर हम बात करें नोड हमारे पास है 5 nodes जो है वो कनेक्टेड है। अब इस पूरे मीडियम में 1 persistent का मतलब क्या है, लेट से ए ने डेटा ट्रांसमिट करना है। अब ए के पास ऑलरेडी डेटा है लेकिन वो पहले क्या करेगा, यहां पे सेंस करेगा कि क्या ऑलरेडी कोई सिग्नल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई भी सिग्नल मूव नहीं कर रहा तो ए इमीडिएटली डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, सिंपल सा फंडा है। अगर उसको मिल रहा है कि जो मीडियम है हमारा आइडल है, कुछ नहीं चल रहा, तो ए इमीडिएटली डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन अगर ए ने सेंस किया और यहां पे ऑलरेडी कोई सिग्नल मूव कर रहा है तो ए क्या करेगा, अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। लेकिन 1 persistent का मतलब क्या है कि वो कॉन्टिन्यूसली सेंस करता रहेगा, जब तक कि उसको
आइडल नहीं मिलता, यानी वो अपने रिसोर्सेज को लगातार यूटिलाइज करता जा रहा है और चेक करता जा रहा है कि क्या अभी भी कोई डेटा मूव कर रहा है, क्या अभी भी कोई डेटा मूव कर रहा है। वो कॉन्टिन्यू सेंस करता करता जिस पॉइंट पे डेटा जो है वो उसको नहीं मिला, मतलब सिग्नल नहीं मिला, तुरंत वो डेटा जो है वो इमीडिएटली वहां पे डाल देगा। तो यानी ये कॉन्सेप्ट है वन परसिस्टेंट में, जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली सेंस करता रहेगा। अगर उसको वहां पे आइडल मिल गया तब तो इमीडिएटली डेटा डाल देगा, लेकिन अगर उसको बिजी मिल रहा है तो वो बिजी के केस में कॉन्टिन्यूसली वहां पे सेंस करता जा रहा है, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता जा रहा है। जनरली ईथरनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर काम करता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है वर्स्ट केस की। अगर हम बात करें वर्स्ट केस का, मतलब है लेट्स से ए और डी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑलरेडी डेटा जो है वो मूव कर रहे हैं, और बीच में एक नोड है N1, N2, N3, ये तीन नोड है। इन तीनों नोड के पास लेट्स से डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए। वर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो तीनों के पास डेटा है, तीनों ने एक ही टाइम पे चेक किया तो उसको क्या मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बट कॉन्टिन्यूसली चेक करते जा रहे हैं क्या अब फ्री हुआ। जैसे ही लेट्स से फ्री हो गया, मतलब डेटा जो है वो ट्रांसमिशन आपका बंद हो गया, जैसे ही N1 ने सेंस किया फ्री, N2 ने सेंस किया फ्री, N3 ने सेंस किया फ्री, तो वन परसिस्टेंट के केस में फ्री मिलते वो इमीडिएटली अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर देंगे, तो होगा क्या, कोलिजन अक्कर होगा। तो यहां पे हाई लेवल ऑफ कोलिजन है, हाई चांसेस ऑफ कोलिजन है। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में सारे के सारे जैसे ही उनको फ्री मिला तुरंत डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो परसिस्टेंट। जीरो परसिस्टेंट का मतलब, परसिस्टेंट का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो परसिस्टेंट मतलब डीट, कि जो लगातार ही चेक करता जा रहा है। जीरो परसिस्टेंट का मतलब है कि वो थोड़ा कम है, मतलब कम का कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही उसने चेक किया सिग्नल, जैसे ही उसने मीडियम को चेक किया, मीडियम अगर आइडल है तो आइडल के केस में तो उसको कुछ नहीं करना, तुरंत उसको डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर देना है। लेकिन अगर उसको उसने मीडियम को चेक किया ए ने और ऑलरेडी कोई सिग्नल मूव कर रहा है, मतलब आपका मीडियम है क्या बिजी, अगर आपका मीडियम बिजी है तो ए क्या करेगा, कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम का वेट करेगा। कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब है कि कोई भी एक टाइम वो है बैक ऑफ टाइम जो है वो वेट करेगा, और उस टाइम के खत्म होने के बाद वो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। ऑल्दो ये भी पॉसिबल है कि उसने वेट करने का टाइम लगा लिया लेट्स से 1 आवर, लेकिन जो है वो सिग्नल ऑलरेडी पहले आधे घंटे में ही खत्म हो गया, तो आधा घंटा वो एक्स्ट्रा वेट करेगा। तो वर्स्ट केस में आप कह सकते हो कि अगर वही सेम कॉन्सेप्ट अपन यहां पे लें कि N1 है, N2 है, N3 है, और अगर A और D आपस में बात कर रहे हैं, सिग्नल जो है वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो ये वाला N1, N2, N3 को क्या लग रहा है, सिग्नल बिजी, मतलब आपका मीडियम बिजी है। लेकिन जैसे ट्रांसमिशन खत्म हुआ चैनल जो है वो क्या हो गया, आपका फ्री हो गया। अब N1 क्या करता जा रहा है, जैसे ही उसको पहले बिजी लगा वो क्या करेगा, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगा। लेट्स से उसने सोच लिया मैं 5 मिनट तक वेट करूंगा, N2 ने सोच लिया मैं 15 मिनट तक वेट करूंगा, और N3 ने सोच लिया लेट्स से मैं 30 मिनट तक वेट करूंगा। तो यहां पे 5 मिनट के बाद N1 अपना काम स्टार्ट करेगा, ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा, उस टाइम पे N2 नहीं करेगा, N3 नहीं करेगा। तो यहां पे जो कोलिजन है कंपेयर टू द वन परसिस्टेंट वो क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट केस की, मतलब अगर नॉर्मल केस में कि A1 A और D आपस में बात कर रहे थे, A ने अपना ट्रांसमिशन जो है वो बंद कर दिया, N1 ने देखा कि यार सिग्नल ऑलरेडी मूव कर रहा है, और उसने अपना टाइमर लगा लिया कि यार मैं वेट कर रहा हूं 30 सेकंड के लिए या 30 मिनट के लिए, तो हो सकता है कि आपका जो ट्रांसमिशन है, जो चैनल है, वो पहले ही फ्री हो जाए, और आपने टाइम लगा लिया कि मैं 1 घंटे बाद अब ट्रांसमिशन चेक करूंगा कि क्या 1 घंटे बाद मैं ट्रांसमिट कर सकता हूं या नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगले ही सेकंड जो मीडियम था वो क्या हो गया, फ्री हो गया। तो यानी आपका जो ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा, वो ऑब्वियसली लेट होगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है किसके अंदर, जीरो परसिस्टेंट के अंदर, लेकिन कोलिजन एज कंपेयर टू वन परसिस्टेंट जो है वो कम होंगे। देन पी परसिस्टेंट। पी परसिस्टेंट का मतलब यहां पे पी क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। पी परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर मल्टीपल हमारे पास नोड्स हैं और वो नोड्स क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चेक कर रहे हैं, ये है हाइब्रिड अप्रोच, इन दोनों का मिक्सचर है वो पी परसिस्टेंट। मतलब वो कॉन्टिन्यूसली चेक करता जा रहा है, जैसे ही उसको आइडल मिल गया, अगर उसको आइडल मिल गया वो तुरंत अपना डेटा इमीडिएटली जो है वो डाल देगा, लेकिन अगर उसको आइडल नहीं मिला, चैनल मिल रहा उसको बिजी, तो वो कॉन्टिन्यूसली सेंस करता रहेगा वन परसिस्टेंट की तरह, कॉन्टिन्यूसली चेक सेंस करता जा रहा है। लेट्स से उसको डेटा जो है मीडियम फ्री मिल गया, मीडियम फ्री मिलने के बाद
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पी प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करे, मतलब वो चैनल को फ्री पाने के बाद इमीडिएटली डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वहां पे पी, और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट करेगा। तो पी की वैल्यू जो है जनरली प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम 0 या 1 के बीच में लेके चलते हैं, क्योंकि अगर 0 करते हैं तो वो ये बन गया, 1 वैल्यू करते हैं तो वो ये बन गया। तो पी परसिस्टेंट का मतलब है इन इंटरमीडिएट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आप 0.5 कर लो या 0.1 कर लो, जिससे आपकी थ्रूपुट जो है वो ज्यादा जो है अचीव हो जाएगी, कोलिजन जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। तो वाईफाई का कॉन्सेप्ट जो है वो जनरली यूज करता है पी परसिस्टेंट। तो ये बेसिकली है, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक ही, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल पॉसिबल है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है सीएसएमए में, इसके दो वेरिएशंस हैं, सीएसएमए सीडी एंड सीएसएमए CA, that is career sense multiple access with modification है collision detection and one more modification है collision avoidance। इसके ऊपर जो है हम next video में discuss करेंगे, जो numericals हैं वो generally इस topic के ऊपर ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे main पता लग गया कि one persistent, zero और P persistent में basically difference क्या है, किसमें collision ज़्यादा है, किसमें collision कम है, ताकि आपको अगर इस type के theoretical question आए exam के अंदर, आप easily इसको solve कर सकते हो। Thank you।